अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। निश्चित रूप से यह जंग मानवता व कोरोना के बीच है। शासन प्रशासन व तमाम जिम्मेदार नागरिकों की कोशिश है कि इस पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आज मेरठ के जलीकोठी इलाके में कुछ ऐसा ही हुआ। 3 संक्रमित जमाती मिलने पर हॉटस्पॉट बने इस इलाके को सील करने पहुंचे टीम पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। ये लोग क्षेत्र को सील करने का विरोध कर रहे थे, जबकि जिला प्रशासन के पास हॉटस्पॉट को सील करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं था। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। इस पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट व एक दरोगा को चोटें आई हैं। इस बीच मेरठ के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि आज मेडिकल कॉलेज स्टाफ ने कोरोना को हराने की तरफ एक अच्छी बढ़त बनाई है। आज कुल मिलाकर 12 पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। बीते दिवस जलीकोठी क्षेत्र में 3 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। इन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के साथ ही जिलाधिकारी ने आज इस इलाके को सील करने के आदेश दिए थे। इसके अनुपालन में ही आज सिटी मजिस्ट्रेट पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकर जैसे ही इलाके को सील करने पहुंचे, एक वर्ग विशेष से जुड़े लोगों ने टीम पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव इतना तेज था कि एक बार की सिटी मजिस्ट्रेट व पुलिस को संभलने का मौका नहीं मिला। कुछ पत्थर सिटी मजिस्ट्रेट को लगे, जिससे वह चोटिल हो गए। इसके अलावा कुछ पुलिस कर्मी भी चोटिल हुए हैं। बाद में पुलिस ने सख्ती का परिचय देते हुए इलाके को सील कर दिया। साथ ही जो लोग इस पथराव के लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट लिखी जा रही है। पुलिस पर पथराव की सूचना पाते ही जिलाधिकारी अनिल ढींगरा और SSP अजय साहनी भी तुरंत ही मौके पर पहुंच गए। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं वह। पेशेंट को जब वापस एम्बुलेंस में बैठा के जा रहे थे, उसके बाद कुछ भीड़ वहाँ पे आई जो उत्तेजित हो गई और उसमें कुछ जो है हमले टाइप का हुआ, जिसमें जो है सिटी मजिस्ट्रेट घायल भी हुआ। इसमें हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग भी कानून को हाथ में ले रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम लोगों को बार बार लोगों को यही समझा रहे हैं कि अगर हम इन कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेट नहीं करेंगे तो ये पूरे शहर में जहाँ जहाँ जिसके संपर्क में आएंगे उनमें फैलाएंगे, ये बताया जा रहा है, और इनके सख्ती से निपटा जाए। बिल्कुल इलाके को सील कर दिया गया है और उसी कार्रवाई के दौरान ही वो लोग वहाँ पे गए थे जिसमें ये घटना हुई है। हम लोगों ने जो है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके अंतर्गत भी FIR दर्ज होगी। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी लोगों को समझाया जा रहा है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी अगर कुछ होगा तो हम लोग कर पाएंगे। ये जलीकोठी है, यहाँ पे डेलीगेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 लोग एक मस्जिद है वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। रात उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया था, उसके बाद सुबह के रिपोर्ट में और 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। उनको भेजने के पश्चात उस एरिया को सील करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट और थाना पुलिस की टीम गई हुई थी। वहाँ पर कुछ लोगों ने भीड़ इकट्ठी करके उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट गिर गए। गिरने से उनके हाथ में हल्की चोट आई है और उसके बाद तत्काल मौके पर भारी मात्रा में फोर्स पहुंचा है। इसमें जो मस्जिद के इमाम है उसके साथ 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और पूरे एरिया को आइसोलेट किया जा रहा है। जिस बंदे के चलते मेरठ कोरोना की चपेट में आया, उसकी रिपोर्ट भी अब नेगेटिव आ गई है। यह बंदा इकरामुद्दीन हसन अमरावती से मेरठ शास्त्री नगर ससुराल आया था, जिसके बाद करीब 14 रिश्तेदार संक्रमित हो गए थे। कोरोना को लेकर क्या अपडेट है? कोरोना को लेकर ये अपडेट है कि कल 157 केसेस सैंपल लगे थे हमारे। उन सैंपल्स में से हमारी 3-4 पॉजिटिव आए हैं और चारों में से एक मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। 3 को हमने जो दरी वाली मस्जिद जलीकोठी के हैं उनको L1 पर 5 खुर्द में भर्ती करा दिया गया है। सर, कुल कितने पेशेंट अब तक कोरोना के पॉजिटिव आ चुके हैं? कोरोना के अभी तक हमारे 47 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं। सर, क्या उनमें से कुछ पेशेंटों को आज डिस्चार्ज भी किया जा रहा है? हाँ, 12 पेशेंट्स की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, सेकेंड रिपोर्ट, और उनका टाइम भी पूरा हो गया है हॉस्पिटल में, तो संभवतः आज उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।